लोधी नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी के बयान पर दमोह से बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है और सबकी भूमिकाएं समय समय पर बदलती है। तो ये तमाम बयानबाजी सामने आई जीतू पटवारी की ओर से, ये बयान सामने आए। पटवारी जी से कहना चाहता हूँ कि वो हमारे समाज के विषय में चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निरंतर पार्टी में लोगों के दायित्व कार्यकर्ताओं के बदलते रहते। हमारी उमा भारती जी हमारी नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। प्रहलाद जी हमारे मार्गदर्शक है। आज इसके पहले वो केंद्र में उनको जिम्मेदारी थी, आज इनको प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपने गिरिबान में झांकिए और कांग्रेस में देखिए कि किस प्रकार से भगदड़ मच रही है। कि बाजू में ही हमारी सीट लगी हुई है सागर की, जहां आपको सागर संसदीय क्षेत्र सीट से एक भी प्रत्याशी नहीं मिला और उत्तर प्रदेश से आप लेके आए हैं। तो दूसरों को सलाह देने से पहले आप अपने गिरिबान में झाँक कर अपने अंतर मन में टटोलिए कि जब प्रभु राम का मंदिर बना तो 22 जनवरी को जब हमने राम मंदिर का आमंत्रण भेजा तो कांग्रेस ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अंतर मन में झांकिए और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो लोधी अपने तरीके से राजनीति, अपने तरीके से व्यवसाय और अपने तरीके से कार्य कर रहा है। आप अपने कांग्रेस को